अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसकी प्रशंसा स्कूल में आए बच्चों के माता पिता करते दिखे, या यूं कहें कि ये अनूठा कार्यक्रम अपने पीछे कई खट्टी मीठी यादें छोड़ गया। मकर संक्रांति के पर्व पर आयोजित श्रद्धा दिवस के अवसर पर विद्यालय में छात्रों ने अपने अभिभावकों का सम्मान और सत्कार किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी गलती सुधारने के लिए ही माता पिता के सामने संकल्प लिया। इस प्रकार की अद्भुत कार्यक्रम की चारों ओर प्रशंसा रही। देखिए, अपोलो इंटरनेशनल स्कूल ने जो आज बच्चों का और पेरेंट्स को जोड़ने का एक संगम वाला जो प्रोग्राम श्रद्धा दिवस के रूप में आज मनाया है, ये सचमुच में एक काबिले तारीफ है। और इस तरह के प्रोग्राम होने से बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में जो आज के समय में जो कम्युनिकेशन गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, वो गैप में कमी आएगी और बच्चे संस्कारित होंगे, और संस्कार ही जीवन में हमेशा साथ रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस स्कूल के माध्यम से जो इतनी बढ़िया कार्यक्रम आज मकर संक्रांति के पर्व पर किया है, ये सचमुच में बहुत अच्छा है, और इसके लिए मैं सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, वैसे तो जब से मैडम यहाँ आई हैं, नए नए प्रयास लगातार हो रहे हैं, और इस तरह के इवेंट्स होने से बच्चों में एक अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये सचमुच में बहुत एक अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा सोच है मिस्टर मैम की, ये स्कूल की सोच जो है मकर संक्रांति के प्रति बहुत श्रद्धा के नाम से उन्होंने रखा, जो आज के समाज में इसकी बहुत जरूरत है। इंग्लिश मीडियम स्कूल को जो है ना, हमारे समय से के बाद ये मान रहे थे कि जो ये समाज का पतन हुआ है वो इंग्लिश मीडियम की देन है, लेकिन यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले ऐसी सोच रखेंगे, ऐसे प्रोग्राम रखेंगे, तो शायद हमारे समाज में दोबारा पेरेंट्स के प्रति माता पिता का जागृति आएगी। इन्होंने कोशिश की कि बच्चे जो हैं माँ बाप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अब हमारे जो पहली पीढ़ी गई है, जो पहले जो माँ बाप का जो सेवा करते थे, आज के युग में पैसा है लोगों के पास, पैसा कमाने के विदेश जाते हैं या गुड़गांव या कहीं भी जाएं, देश के अंदर रहते हुए भी माँ बाप के लिए पैसा है और टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये एक सच्चाई भी है शहरों की, तो खासतौर पर गाँव का तो पता नहीं, शहरों के अंदर तो जो बच्चे फॉरन गए हैं या यहाँ ही इंडिया के अंदर रहते हुए भी बाहर गए हैं, वो माँ बाप के लिए टाइम नहीं उनके पास। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, ये समाज के लिए भी, स्कूल के बच्चों के लिए भी। बच्चों को तो अभी टाइम है, बच्चों के पेरेंट्स जो आए हैं शायद उससे भी वो सीखेंगे। दरअसल आज समाज में बच्चों के अंदर निरंतर संस्कारों का अभाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और यह सबके लिए चिंता का विषय है। इसी को लेकर अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा कार्यक्रम करवाया गया जिसे खुद बच्चों ने तैयार किया था। अपोलो इंटरनेशनल स्कूल पट्टी कल्याणा की प्रधानाचार्य रजनी शर्मा का कहना है कि बच्चे हमारी धरोहर हैं, उन्हें संस्कार और उचित मार्गदर्शन देना अभिभावकों का और शिक्षकों का कर्तव्य है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था जिन ताने बानों से बनी है उसमें सबसे ज्यादा महत्व रिश्तों और संस्कारों का है। अक्सर माता पिता को यह कहते हुए सुना है कि बच्चों में पहले जैसे संस्कार नहीं है। उनका कहना है कि जो कार्यक्रम स्कूल में हुआ, इस तरह के कार्यक्रम वो भविष्य में करवाते रहेंगे। एक्चुअल में
आजकल जब हम स्कूल के ब्रांड की बात करते हैं तो लोगों को ब्रांड से लगता है कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश सब कल्चर होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि इंग्लिश एज लैंग्वेज सीखना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम करियर की बात करें, फील्ड की बात करें, तो इंग्लिश की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो एज लैंग्वेज हमारा पूरा फोकस रहता है कि हम बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो वेस्टर्नाइज कल्चर डोमिनेट कर रहा है बच्चों को, हम चाहते हैं कि उनको वापस इंडियन कल्चर की तरफ लाया जाए। तो ये एक पहला हमने कदम उठाया है। मकर संक्रांति नॉर्मली अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है इस दिन, तो हमें ये लगा कि हम अपने पेरेंट को सम्मानित बच्चों से कैसे करवाएं। तो नॉर्मली होता है कि छोटा मोटा कार्ड बना दिया, पेरेंट को दे दिया मदर डे फादर डे पे, तो हमें लगा कि इससे एक कदम थोड़ा और आगे बढ़े। तो हमारे यहाँ जो काउंसलर है, हमने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप सब बच्चों से बात करिए और उनसे पूछिए ऐसे ही पर्सनली कि उनकी कौन सी आदत है जिससे बच्चों के पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बच्चों ने जनरल डिस्कशन में अपनी वो आदत लिख के काउंसलर को दे दी और हम लोगों ने उसी आदत को छोड़ने का शपथ की फॉर्म में ये गिफ्ट हमने पेरेंट को दिलवाया। तो वो इसलिए भावनात्मक रूप से थोड़ा सा पेरेंट जो है वो इमोशनल हो गए। एक तो बच्चों ने जब तिलक किया, उनकी आरती उतारी, तो उनको सच में ऐसा फील हुआ कि जो एक रिगार्ड और रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए वो आज मिल रहा है। तो इसलिए इमोशनल होना बड़ा जायज़ था। और दूसरी बात, जब बच्चों ने सम्मान के रूप में ये बोला कि हम अपनी ये आदत आपकी खुशी के लिए छोड़ने जा रहे हैं, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, तो वो उनके लिए शायद एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट था। उनमें एक ये उम्मीद जगी कि चलिए, जिस आदत की वजह से हम बार बार बच्चों को टोकते हैं कि मोबाइल यूज मत करो, इतना टाइम खराब मत करो, पढ़ लो, वो आदत उन्होंने शपथ के रूप में अपने पेरेंट्स को दे दी। तो पेरेंट्स आज बहुत खुश हैं, बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा कदम हमने उठाया है। तो हमारा कदम ये सिर्फ इस चीज़ की तरफ है कि बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज अपनाए, उसकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो, क्योंकि एक ब्रांड भी है और उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन अपनी इंडियन वैल्यूज़ को ना भूले। तो इसीलिए आज पेरेंट और बच्चों का एक संगम कराया हमने। और मकर संक्रांति का जो महत्व है, पतंग उड़ाते हैं इस दिन, हम चावल और दाल की खिचड़ी क्यों हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, उन सारी चीज़ों का एक समावेश करके हमने ये प्रोग्राम किया। और बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, तो आने वाले समय में ये जो इवेंट है ये सीक्वेंस के तौर पे ऐसे ही चलती रहेगी। माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को उनके बच्चे कैसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा ही बच्चों ने दर्शाया, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। बच्चों के अभिभावकों ने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। भी यही कहूंगी, जो पहले कहते थे पीढ़ी होगा गैप है, मुझे लगता है कि गैप बहुत जल्दी आ रहा है, मोबाइल की वजह से, टीवी है, देखो ना आप आधे बच्चों को ना काइट हैंडल करनी भी नहीं आ रही, पता ही नहीं कैसे उड़ाते हैं, कल्चर के बारे में पता ही नहीं। लेकिन ये जो गैप पेरेंट्स और बच्चे के बीच में अब काफी कम उम्र में आ रहा है। पहले क्या था कि बड़े होके आता था, कहते थे ना पीढ़ी होगा गैप है, लेकिन मुझे लगता है कि कम उम्र में आ रहा है। उसके लिए बिल्कुल मैं हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करूंगी स्कूल वालों का, कभी पता चलेगा बच्चों को कुछ है। कई बच्चे मैंने रोते हुए देखे, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, आंसू नहीं थे, शायद दिल से निकली हुई कोई वो थी जो दिल से फील कर रहे थे बच्चे, और ये अपने आप में मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा प्रयास था। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्कूल को कि ये, मैं चाहूँगी कि आगे भी ये प्रयास ये जारी रखें। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और इससे बच्चों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। और आज बच्चों में जो देखने को मिला वो वैसे मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपनी आदत लिखी है, अगर वो उसे सुधारे तो हमें बहुत खुशी होगी। इसके इसमें ये दिखाने के कि अपने माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप अपना सब कुछ छोड़ के उनके लिए करता है, लेकिन बच्चे आजकल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हर एक हमें उनकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी नहीं करनी चाहिए हमें, हमेशा ज़िंदगी में ना का भी कोई वर्ड होना चाहिए कि भाई बच्चे को ना की भी आदत होनी चाहिए, कि भाई अगर हम कुछ, हमें ज़िंदगी में बच्चों को हर एक चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए कि ये भी लो, ना की भी आदत होनी चाहिए। क्या लगता है ये बच्चों और माँ बाप में दूरियाँ क्यों बढ़ रही है? सर एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, इस वजह से पहले काफ़ी सब इकट्ठे रहते थे, तो बच्चे गलती करते थे तो जल्दी बच्चों को पता चल गया। अब पेरेंट्स बाहर जैसे जॉब करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी ये प्रॉब्लम भी है। स्कूलों में ऐसी तालीम मिले जैसे कार्यक्रम कराएंगे, हाँ जी ज़रूर पड़ेगा फ़र्क। आज जैसे हम भी बहुत भावुक हो गए थे और बच्चे भी भावुक हो गए थे, तो काफ़ी पहले से अभी मैंने थोड़ा चेंज नज़र आया उसमें, गुड़िया में हमारी, उसको गुड़िया को गुस्सा जल्दी आ जाता है वो।
कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र पतंगबाजी प्रतियोगिता रही, जिसमें काफी संख्या में अभिभावकों ने हिस्सा लिया। अपोलो टायर के डिविजनल हेड राहुल गुप्ता के अलावा स्कूल के चीफ मेंटर एमएल गर्ग, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर संजीव त्यागी, सीनियर कोऑर्डिनेटर आलोक टंडन, जूनियर कोऑर्डिनेटर ममता नारंग उपस्थित रही और कार्यक्रम का मंच संचालन अध्यापिका रश्मि पराशर ने किया।